दोस्तों, लर्निंग टेक्निकल्स 777 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि जब आप कोई नया फ़ोन ख़रीदते हैं तो नया फ़ोन ख़रीदने के बाद आपको तुरंत क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी नया फ़ोन ख़रीदें, चाहे आप जियो का ख़रीदें या कोई भी आप सैमसंग का ख़रीदें, कोई भी नया फ़ोन ख़रीदते हैं, आपको क्या करना चाहिए वो आपको काम ज़रूरी है करना। क्योंकि अगर आपका फ़ोन मान लीजिए फ्यूचर में कभी अगर खो जाता है तो आपके पास पछताने के अलावा, रिग्रेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। आप बैठ के पछताओगे, रोओगे। उससे बढ़िया है, उससे बेटर है कि आप ये वाला काम जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको करके रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल पे लर्निंग टेक्निकल्स 777 पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उससे हमारे आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और लाइक करने के अलावा इसको शेयर करिए अपने और दोस्तों में जिनसे आप जुड़े हैं। तो दोस्तों, आपको फ़ोन ख़रीदते ही क्या करना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों, आप जो भी फ़ोन ख़रीदें उसका IMEI नंबर, जी हाँ दोस्तों, IMEI नंबर आपको नोट करके रख लेना चाहिए। IMEI नंबर दो स्लॉट आपके सिम में होते हैं, फ़ोन में होते हैं। सिम वन के लिए अलग होता है और सिम टू के लिए अलग होता है। इन दोनों IMEI नंबर्स को आप अपने पर्सनल डायरी में नोट करके रख लेना चाहिए। उससे क्या होगा दोस्तों कि पहले मैं आपको बताता हूँ कि नोट कैसे करते हैं, अपने फ़ोन का IMEI नंबर कैसे नोट करेंगे। मैं आपको पहले बता लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? तो आपको क्या करना है, डायल पैड अपना ओपन करना है जिस पे आप फ़ोन करते हैं, ठीक है? तो मैं इसको सबसे पहले ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आपको ये जो डायल पैड दिख रहा है इसमें टाइप करना है स्टार, इसके बाद आपको टाइप करना हैश, फिर ज़ीरो, फिर सिक्स, फिर हैश। फिर इतना करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका IMEI नंबर सिम स्लॉट वन के लिए और सिम स्लॉट टू के लिए, दोनों के लिए ओपन होके आ चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं, ये सिम स्लॉट वन का है और ये सिम स्लॉट टू का है। मैं इसको हाइड करना चाहूँगा क्योंकि आपको अपना IMEI नंबर किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। ये देखिए, इसका सीरियल नंबर है, ठीक है? मैं इन तीनों चीज़ों को हाइड करना चाहूँगा क्योंकि आपको अपना ये यूनिक नंबर है और आपको ये शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को अगर ये बात शेयर करेंगे तो उससे आपके लिए क्या ख़तरा हो सकता है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो ये तो दोस्तों पहला तरीका है जिससे आप अपने फ़ोन का IMEI नंबर देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप सेटिंग खोलिए। सेटिंग खोलने के बाद आप अबाउट में जाइए सबसे नीचे, और यहाँ देख सकते हैं आपको दो दो ऑप्शन सिम स्लॉट वन के लिए और सिम स्लॉट टू के लिए IMEI नंबर साफ साफ दिख रहा है, ठीक है? मैं इसको भी हाइड करना चाहूँगा क्योंकि ये मेरा पर्सनल पार्ट है, ठीक है? तो ये तो हम लोग इस तरीके से देखते हैं। अब बात आती है कि क्यों ऐसा करें, हम फ़ोन ख़रीदते ही IMEI नंबर क्यों नोट करें। दोस्तों, होगा इससे ये कि मान लीजिए फ्यूचर में आपका फ़ोन अगर गलती से चोरी हो जाता है तो इस केस में क्या होगा कि आपके पास IMEI नंबर सिम स्लॉट वन और सिम स्लॉट टू दोनों का अगर रहेगा और सीरियल नंबर अगर आपके पास नोटेड रहेगा तो आप इसको तुरंत जा कर के थाना, आप जो आपके पास का जो पुलिस थाना है वहाँ पर जल्दी से जा कर के आप अपने फ़ोन को ब्लॉक करवा सकते हैं। तो जिसने आपके फ़ोन को चोरी किया है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा आपके फ़ोन का, ठीक है? ना उसके अंदर कोई इम्पॉर्टेंट डेटा वो चुरा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता वो, एक तरीके से वो फ़ोन उसके लिए डेड है, ठीक है? तो इस तरीके से IMEI नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? और इवन आपके फ़ोन को वापस मिलने के चांस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि उस फ़ोन को ट्रैक करा जा सकता है उस IMEI नंबर से, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी फ़ोन ख़रीदें तो फ़ोन ख़रीदते ही आपको IMEI नंबर सिम स्लॉट वन और सिम स्लॉट टू दोनों के लिए आपको नोट करके रख लेना चाहिए, और साथ साथ में आपको जो सीरियल नंबर होता है फ़ोन का वो भी यूनिक नंबर होता है तो उसको भी आपको नोट कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये उसी तरीके से होता है जिस तरीके से आप कोई गाड़ी ख़रीदते हैं ना, कोई व्हीकल ख़रीदते हैं, चाहे आप कार ख़रीदें या टू व्हीलर ख़रीदें, कुछ भी ख़रीदते हैं, बाइक ख़रीदते हैं, तो वहाँ पर आपकी गाड़ी का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, ठीक है? उस पर्टिकुलर नंबर की तरह ये फ़ोन का नंबर होता है। हर एक डिवाइस का एक अपना यूनिक नंबर होता है जिसको IMEI नंबर बोलते हैं, ठीक है? तो उसको आपको नोट करके रखना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो बस यही करना है आपको, कोई भी फ़ोन ख़रीदें तुरंत आप अपना IMEI नंबर नोट कर लें और
आप उसको पर्सनल डायरी में नोट करें और किसी से ये चीज़ शेयर ना करें, किसी को शेयर ना करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी को शेयर करेंगे तो होगा ये कि आपके IMEI नंबर को वो पुलिस थाने में जाकर के गलती से ब्लॉक करवा सकता है, आपके साथ यू नो कुछ भी कर सकता है, किसी का दिमाग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप किसी को नहीं जानते, तो ये आपका पर्सनल पार्ट है, तो आपको इसको सेफ और सिक्योर तरीके से रखना है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उससे हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिल जाया करेंगी। तब तक गुड बाय।